जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एग्जिस्ट एकेडमी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, टेंथ के हमने दो पार्ट्स कंप्लीट कर ले हुए थे। एक तो हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हुआ था, दूसरा हमारा पास्ट कंप्लीट हुआ था। आज हम कंप्लीट करेंगे अपना लास्ट और अंतिम फ्यूचर टेंस, जिसकी हम चर्चा करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए, फ्यूचर क्या होता है। सबसे पहले हम टाइमलाइन, मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेंस को जब हम पढ़ेंगे तो उसकी टाइमलाइन को हम मेंटेन करेंगे। कैसे, कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेस में बताया था, जब मैं आपको इंट्रो दे रहा था उस क्लास मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर जैसा कोई टेंस होता नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर को सिर्फ हम प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे मैंने क्या कहा कि मैं खाना खा रहा हूँगा, मतलब कि जो हमारा प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट के टाइम से हम आगे की जब बात करते हैं, कैसे टाइमलाइन बनाते हैं। देखिए, समय हो रहा है 9:15 AM। इसको हमने क्या नाम दिया, प्रेजेंट का नाम दिया। अब देखिए, मैंने क्या कहा कि जब हम बात कर रहे हैं वो कौन सा टाइम है, आपका प्रेजेंट का टाइम है। लेकिन इसके पहले की जब हम बात करते हैं, मान के चलो 7 का टाइम, इसको हमने क्या नाम दिया था, पास्ट का नाम दिया था। सर जी बिल्कुल। तो फ्यूचर क्या होता है, आने वाला समय। आने वाला समय मतलब कि जब आज के बाद का समय। आज के बाद का समय मतलब क्या है कि मान के चलिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 9:15 हो रहे हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका फ्यूचर टेंस होगा उसमें कोई कार्य आपका निश्चित होगा या नहीं, ये डिसाइड नहीं है। बात समझ में। कहने का मतलब है कि आप पर्टिकुलर उस टाइम पे किसी कार्य को कर रहे होंगे, ऐसा निर्धारित नहीं है। जैसे मैं शाम को घूमने जाऊंगा, अनप्लान्ड है, बिल्कुल। क्या डिसाइड मैंने किया है, हाँ मैंने डिसाइड किया है, लेकिन क्या मैं जाऊंगा ये डिसाइड नहीं है। मैं जा भी सकता हूँ या नहीं भी जा सकता हूँ। आप देखते हो बारिश का मौसम होने वाला है, अब आप देखते हो काले काले बादल आ गए, आप कहोगे शायद बारिश होगी। डिसाइड नहीं कि बारिश होगी, आपने एक अंदाजा लगाया कि शायद बारिश होगी। मतलब कहने का क्या है, आप एक संभावना व्यक्त करते हो कि हो सकता है ऐसी चीजें पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेंस का फ्यूचर, और वो फ्यूचर टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर का इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं ना कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बनाइए। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद इसमें हम हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब को हम एक नाम से और जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। विल शैल का यूज करेंगे। विल शैल के बाद यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब क्या कि जितनी भी आपकी वर्ब होती है, जिनको हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं, वो अपने किस फॉर्म में होती है, बेस फॉर्म में होती है। और बेस फॉर्म कहने का मतलब कैसे दिखते हैं भैया, वो प्लरल दिखती हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ विल शैल का हमने यूज किया, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। देन आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, सिंपल फ्यूचर का, या आप इसको क्या कहते हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हो। क्लियर। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं पहले हिंदी के, मैं एक सेंटेंस हिंदी में लेता हूं, फिर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। मैंने क्या कहा, राधिका टीवी खरीदेगी। क्या कह रहा मैंने, राधिका टीवी खरीदेगी। क्या पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल बिल्कुल है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कि वो खरीदेगी ही, नहीं भी खरीद सकती है। हो सकता है आज उसके पास पैसे हैं, कल उसके पास पैसे ना हो। उसने प्लान किया कि मैं टीवी खरीदूंगी, लेकिन कुछ ऐसा काम आ जाए कि जो टीवी के लिए पैसे उसने रखे थे वो खर्च हो गए,
उसने क्या किया, उस काम के लिए उस पैसे को खर्च कर दिया। अब उसके पास पैसे बचे नहीं बचे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी कार्य के लिए पैसे जुटाते हैं या कोई कार्य हम प्लान करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, एट द टाइम वो हमारा कार्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कोई और काम हम कर लेते हैं या किसी उसका उस टाइम पर हम कहीं और चले जाते हैं, तो वो हमारा काम क्या होता है, अधूरा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आपने कहा सर जी सब्जेक्ट तो राधिका है। क्या कहा आपने, सब्जेक्ट राधिका है। एक्शन क्या है, एक्शन हमने डिस्कस किया था खरीदना। क्या है एक्शन हमारा, खरीदना, जिसको हमने क्या नाम दिया, वर्ब नाम दिया। तो ये हमारा एक्शन वर्ड हो गया, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या हो गया हमारा एक्शन वर्ड हो गया। अब राधिका क्या खरीदेगी, मैंने आपको बताया है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम क्या से क्वेश्चन करते हैं, मैंने क्या कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, मैंने ये कहा कि किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी वाक्य में हम अगर क्या से क्वेश्चन करते हैं और आंसर में उस क्या के जगह पर हमें कोई आंसर मिलता है, जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं राधिका टीवी खरीदेगी, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं राधिका क्या खरीदेगी, आपने कहा सर जी टीवी खरीदेगी। राधिका क्या खा रही है, आपने कहा सर जी पूरी सब्जी खा रही है। राधिका क्या कर रही है, आपने कहा सर जी राधिका पढ़ रही है। तो क्या करने पर आंसर आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, राधिका राधिका, अब क्वेश्चन यहां पे होता है कि हम विल का यूज करेंगे या शैल का यूज करेंगे। राधिका विल बाय, यहां पे क्या है बाय, ठीक है, एक्शन वर्ड हमारा क्या है, खरीदना, बाय अ टीवी, बाय अ टीवी। राधिका क्या करेगी, टीवी खरीदेगी। तो गा गी ये सब आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन मैंने ये कहा सर जी कि जो राधिका है इसके साथ हम विल का यूज करेंगे या शैल का यूज करें, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहां पे चाहे नोट पॉइंट बना के लिख सकते हो कि जो आपका आई होगा, आई सब्जेक्ट और आपका वी सब्जेक्ट, इनके साथ हम शैल का यूज करेंगे। वहीं अन्य अदर सब्जेक्ट के साथ, अन्य अदर सब्जेक्ट आपके ही शी इट और आपके दे, एंड लास्ट में आपका क्या आएगा, किसी का नेम, ये भी तो सब्जेक्ट होता है, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। ये नोट पॉइंट बना के आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। तो बताइए यहां पे ये जो राधिका है ये आईवी का आईवी सब्जेक्ट है, आपने कहा सर जी नहीं, तो कैसा सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है। अदर सब्जेक्ट किसी का नेम है, आपने कहा सर जी बिल्कुल किसी का नेम है। अब किसी का नेम है तो इसके साथ हमने क्या यूज कर दिया, विल यूज कर दिया। अगर मैंने क्या कहा, मैं यहां पर करता कि मैं टीवी खरीदूंगा, मैंने क्या कहा मैं टीवी खरीदूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल नहीं शैल, क्या यूज करोगे, आई शैल बाय अ टीवी। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने क्या कहा, दूसरे एग्जांपल, वह एक पत्र लिखेगा, क्या है, वह एक पत्र लिखेगा। अब देखो फिर से वही चीजें, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आपने कहा सची यहां पे सब्जेक्ट वह है, एक पत्र क्या लिखेगा, एक पत्र लिखेगा, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पत्र, और लिखना आपका क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा। तो उसको ट्रांसलेट करते हैं इजी तरीके से, ही के साथ हमने क्या यूज किया, विल। अब यहां पे देखिए अदर सब्जेक्ट के साथ हमने किसका यूज किया है, विल का यूज किया है। बात समझ में, क्या लिखेगा भाई, पत्र लिखेगा, तो ही विल, एक्शन वर्ड हमारा क्या है, राइट, क्या लिखेगा भाई आपका, लेटर लिखेगा। ये हो गया आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस आपका ये बना, दूसरा सेंटेंस आपका ये बना। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम, अफर्मेटिव तो कंप्लीट हो गया, नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। चलिए देखिए स्ट्रक्चर हमेशा हमको ध्यान में रखना है, टेंस की क्लास जब भी हम करेंगे एक स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखना है, वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का स्टार्ट किया था। जिस भी टेंस की बात करेगा आप, वो चाहे प्रेजेंट टेंस की बात करें, वो चाहे पास्ट टेंस की बात करें, या वो चाहे फ्यूचर टेंस की बात करेगा, आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। और वो स्ट्रक्चर कैसे होगी, जिनके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं उसके माध्यम से हमको पता चलेगा कि ये किस टेंस का सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आइए समझते हैं।
देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा फ्यूचर के, तो सबसे पहले हमें यूज तो करना है सब्जेक्ट, आपने कहा सर जी बिल्कुल यूज करना है, सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब या इसको हमने क्या नाम दिया ऑक्सिलरी वर्ब, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे विल या शैल के साथ। मैंने आपको बताया है ना कि जो आपके नॉट की अरेंजमेंट होती है वो कहां पे होती है, आपने कहा सर जी तो इजी है आप काफी बार बता चुके हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, तो यहां पे हम वो यूज कर देंगे वर्ड नॉट देन, ये आपको ऐसे लिखते हैं और आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इजी तरीके से हमने किया। आपने कहा सर जी ये तो इजी हो गया मेरे लिए। अब उसी सेंटेंस को राधिका टीवी खरीदेगी, मैंने क्या कहा राधिका टीवी नहीं खरीदेगी, क्या बन जाएगा आपका राधिका विल नॉट बाय अ टीवी। आज समझ में, यहां पे देखो विल के साथ हमने नॉट का यूज किया, क्या हमारी जो बेस फॉर्म थी उसमें कुछ इफेक्ट पड़ा, आपने कहा सच्ची बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने क्या कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, या मैं खाना क्या मैं कोई मिठाई ले लेता हूं, मैं काजू कतली नहीं खाऊंगा, मैंने क्या किया आई विल सॉरी शैल का यूज करेंगे यहां पे, आई शैल नॉट टेक या ईट का यूज कर देते हैं ईट काजू कतली, भाई पछताओगे काजू कतली कोई छोड़ता थोड़ी है, ठीक है मैं काजू कतली नहीं खाऊंगा। बस समझ में, एग्जांपल वाले लेते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, पिटाई हुई है घर पे, पढ़ाई नहीं कर रहा था, मम्मी पापा ने पीटा अच्छे से इसको, उसने क्या कह दिया राजेश नाम का लड़का था उसने कि उसकी पिटाई हो गई अच्छे से, उसने क्या कहा मम्मी पापा से आज के बाद मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो राजेश विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस, देख रहे हो ना, आपने विल के साथ नॉट का यूज किया, शैल के साथ नॉट का यूज किया, विल के बाद यहां पे भी नॉट का यूज किया, अब इसके बाद देख रहे हो ना आपकी बेस फॉर्म जितनी है हमने एज इट इज तरीके से यूज किया। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये था, स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझने की हमेशा कोशिश करेंगे। चलिए अगले फ्यूचर इंडेफिनिट के हम बात करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, जिसको हम हिंदी में नाम क्या देते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तुम्हारा जो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा उसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा समझते हैं इसको। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखिए स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे इसका, स्ट्रक्चर तो इजी हो गया, क्या इजी हो गया क्योंकि आपने इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखा, आपने कहा सजे बिल्कुल देखा, तो सब्जेक्ट के पहले हम किसका यूज करते हैं जो आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है उनका यूज हम किसके पहले करेंगे सब्जेक्ट के पहले करेंगे। विल शैल के साथ आपने सब्जेक्ट यूज कर दिया और उसके सब्जेक्ट के बाद आपने किसका यूज कर दिया बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या हमने क्या नाम दिया इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा सर जी सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आपने कहा सर जी अभी तो सेंटेंस अधूरा है, क्यों अधूरा है क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है। मैंने क्या कहा अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं टीवी खरीदूंगा अफर्मेटिव, मैं टीवी नहीं खरीदूंगा नेगेटिव, क्या मैं टीवी खरीदूंगा कैसा सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव। तो एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा विल ही बाय अ टीवी लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मैंने क्या कहा क्या वह टीवी खरीदेगा, आपने आंसर क्या या तो यस या तो नो। एग्जांपल और लेते हैं यहां पर, मैंने क्या कहा क्या बच्चे मैच खेल रहे होंगे, मैंने क्या कहा क्या बच्चे मैच खेल रहे होंगे। अब आप कहोगे सर यहां पे रहे आ गया तो क्या ये इंडेफिनिट को फॉलो किया, नहीं किया। एग्जांपल हम क्या बनाएंगे देखिए हो जाएगा शैल, हम ऐसे बना लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, शैल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम मैच खेलेंगे, नहीं खेलेंगे भैया मेरा मन नहीं है, या हम जितने लोग हैं हम लड़ाई हो गई है आपसे मैं नहीं खेलूंगा, वो भी नहीं खेलेंगे,
है ना। तो ऐसे एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं। अब ध्यान यहां पे सबसे क्या रखना होता है, बच्चे गलती ये करते हैं, देखिए यहां पे जो विल है, यहां पे जो शैल है, इनका यूसेज होता है अपना अपना। ग्रामर में हम इनका यूसेज क्या देखते हैं, कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर जगह पे, अब देखिए जो एक्चुअल में विल का यूज होता है उसको हम आई और वी के साथ भी यूज करते हैं, बट ग्रामर में जब हम टेंस की बात करेंगे वहां पर हमें सब्जेक्ट आपका कैसा है, यदि सब्जेक्ट आई विल के आई वी के अलावा आपका सब्जेक्ट है देन आपको उसके साथ विल का यूज करना है, बाकी यहां पे हम विल का यूज नहीं करेंगे। चलिए तो ये हो गए आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कौन से वाले, या तो यस वाले या तो नो वाले, कहने का मतलब इनका आंसर यस और नो में मिलेगा। अगला हम सेंटेंस बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव में, जिसको हम डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं, या यू कह ले हम क्वेश्चन वर्ड से जिनका हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा, विल ही बाय अ टीवी, क्या वह टीवी खरीदेगा, आपने कहा या तो यस या तो नो। मैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, वह टीवी क्यों खरीदेगा, आपने कहा था जी आईपीएल आ रहा है ना, मैच का प्रेमी है, या होता है सीरियल का प्रेमी है, उसको सीरियल देखना अच्छा लगता है, हो सकता है घर में उसकी टीवी नहीं है, पुरानी टीवी थी खराब हो गई है ना, काफी सारे आंसर निकल कर आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डबल इंटरोगेटिव की हम बात कर लेते हैं, वाई विल ही बाय आ टीवी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझ में आया क्वेश्चन, देखिए वाई विल ही बाय आ टीवी, ठीक है। तो ये हो गए आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे की चर्चा करेंगे हम, फ्यूचर इंडेफिनिट तो हमारा कंप्लीट हो गया, अगली जो हम चर्चा करेंगे वे हमारी होगी फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, समझते हैं। चलिए आगे हम कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आइए हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम समझेंगे इसको, क्या है हमारा टॉपिक, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, देखिए यहां पे मैंने वर्ड लिखा है, एक तो हमारा है फ्यूचर, एक तो हमारा है कॉन्टिन्यूअस, कहने का मतलब हुआ कि कोई भी कार्य आपका फ्यूचर में कंटिन्यू है। प्रेजेंट में हमने क्या देखा था, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, पास्ट में हमने क्या देखा था कि पास्ट में कंटिन्यू था, और फ्यूचर हमारा क्या हो जाएगा कि फ्यूचर में हमारा कार्य क्या होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है। कैसे, इसको मैं हिंदी से रिलेट करता हूं, जैसे मैंने क्या कहा कि मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूंगा, थीसिस या मैं एक कोई लेटर लिख रहा हूंगा, मैंने क्या कहा, मैं शाम को डांस कर रहा हूंगा, जैसे इसको रिलेट मैं करने की कोशिश करूंगा, जैसे मैंने क्या कहा कि दो दोस्त हैं, एक का नाम आकाश है, दूसरे का नाम शिवम है, मैं अपना ही नाम ले लेता हूं, ठीक है। अब दोनों गए घूमने, बाय डिफॉल्ट क्या हुई, एक गलती से दूसरे ट्रेन में चढ़ गया है ना, अब दूसरी जगह पहुंचकर आकाश दूसरी जगह पहुंच गया, शिवम दूसरी जगह पहुंच गया, तो शिवम ने आकाश को कॉल किया, क्या बोला, भैया क्या कर रहे हो, कहा मैं घूम रहा हूं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम क्या था, कंटिन्यू था। लेकिन अगर मैं मतलब शिवम किसी अन्य पर्सन से कहेगा कि भैया हम लोग घर से साथ तो निकले थे, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग अलग अलग ट्रेन में हो गए, अब अलग अलग ट्रेन में हो गए तो मैं उस दूसरे व्यक्ति से क्या कह रहा हूं, यार इस टाइम वो कुछ कर रहा होगा, हो सकता है वो घूम रहा होगा, हो सकता है वो खेल रहा होगा, हो सकता है वो नदी में स्नान कर रहा होगा, मैं किससे कह रहा हूं, मैं किसी सेकंड पर्सन से कह रहा हूं कि आकाश घूम रहा होगा, आकाश खेल रहा होगा, आकाश नाच रहा होगा, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या नाम देंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, की मतलब कि फ्यूचर में वो चीजें क्या है, कंटिन्यू है। चलो स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे इसका, हम इजी हो गया अब तो हमारे लिए, क्योंकि हमने सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सर जी, सब्जेक्ट के साथ हमने यूज कर दिया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, विल शैल का यूज कर दिया। अब देखिए यहां पे एक वर्ड हम ऐड कर देंगे, क्या, बी, ऐड कर दिया वर्ड बी। आगे हम चर्चा करेंगे ये सारे क्या वर्ड्स यूज होते हैं, इनकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब वी यूज कर दिया, देन किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की बात कर, अब कॉन्टिन्यूअस में हमने किसका यूज देखा था, आपने कहा सर जी वी फोर का यूज देखा था हमने, इसको हमने क्या नाम दिया, वी फोर,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी जिनमें हम ऐड करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, वी फोर। और इसी के साथ लास्ट में हमने क्या यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट यूज कर दिया। आपने कहा सर जी स्ट्रक्चर कंप्लीट, मैंने कहा भैया बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब जब ये कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल बना डालते हैं, आइए एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, मैंने क्या कहा, आई शैल सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ड यूज किया शैल, ठीक है। फिर हम क्या यूज करेंगे, बी, आई एनजी फॉर्म, आई एनजी फॉर्म किसका, बेस फॉर्म या जो हमारा एक्शन वर्ड है उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं भैया, मैं पत्र लिखना, तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, अ बुक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, कब की बात है, फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर में क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। अगली चर्चा करें, अगले एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। मैंने क्या कहा, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, मैंने क्या कहा, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, दे के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी यूज करेंगे, आपने कहा सर जी विल का यूज करेंगे। अब इसके साथ हम वर्ड यूज कर दिया बी, क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग मैच इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, वे शाम को मैच खेल रहे होंगे, ठीक है। या मैं ऐसे कहूं कि मैं शाम को घूमने जा रहा हूंगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं शाम को घूमने जा रहा हूंगा, कोई काम फ्यूचर में है और फ्यूचर के साथ साथ वो क्या है, कंटिन्यूअस में है। तो ऐसे एक्शन को हम क्या नाम देंगे भैया, ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटीन्यूअस के टेंस में रखेंगे। चलिए ये तो हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की हमने बात कर ली, नेगेटिव सेंटेंस की हम बात कैसे करेंगे। अब बताइए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। आपने कहा सर जी नेगेटिव सेंटेंस में आपने बताया है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अब यहां पर देखिए, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, विल शैल है, और मेन वर्ब क्या है आपकी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म वी फोर है। इनके बीच में ऑलरेडी हमारा बी यूज हो रखा है, तो नॉट के अरेंजमेंट हम कहां पे करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां पे मैं साइड में लिखता हूं स्ट्रक्चर आपका, देखिए तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट के साथ विल शैल आपने लगा दिया, आपने कहा सर जी बिल्कुल लगा दिया, के साथ आप नॉट के अरेंजमेंट कहां रखोगे, हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद, नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी आपने ऐड कर दिया, देन उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, कौन से सेंटेंसेस का, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव बनाने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, आई शैल, मैंने क्या कहा, मैं पत्र लिख रहा हूंगा, एफर्मेटिव सेंटेंस था, मैंने क्या कह दिया, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूंगा, तो शैल की जस्ट बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, I shall not be writing a letter, ये हो गया आपका negative sentence। अब इस sentence को बताइए ये क्या हो जाएगा, they will, यहां पर हम कहां पे रखेंगे, not के arrangement, helping verb के बाद, they will not be playing match in the evening, ये हो गए हमारे negative sentences, किस tense के, future continuous tense के। I hope ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की और फ्यूचर कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। आपने कहा सर जी अब तो ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो गया, कैसे बाएं हाथ का खेल हो गया, ये जो आपने हेल्पिंग वर्ब बता रखी है सर जी मुझे, इसी को हम पहले कर देंगे। आपने कहा ये तो भाई मेरे बाएं हाथ का खेल हो गया, शैल और विल के साथ आपने सब्जेक्ट यूज कर दिया, देन आपने वर्ड यूज किया था बी, और उसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हमने आईएनजी यूज कर दिया, लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैंने पूछा भैया सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आपने कहा सर जी आपने तो गलत कर दिया है, क्या गलत कर दिया है, क्योंकि सेंटेंस आपके इंटरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन करेगा, आपने कहा सर जी तो बिल्कुल करेगा, ये तो क्या करेगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसी सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव में चेंज किया, नेगेटिव में चेंज किया, इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव में भी बनाने की कोशिश करेंगे, और वो सेंटेंस क्या हो जाएंगे, आइए हम बनाते हैं। तो बनाओ भैया, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाया करो, और बना के आप
जहां बैठे हो ना वहां बोला करो, इससे समझ में आता है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाइए तो हो जाएगा आपका, शैल आई। अब देखो यहां पर विल शैल के साथ हमने सब्जेक्ट यूज कर दिया, अब अगला वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, बी हमने यूज कर दिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या कर रहे हो भैया, लेटर लिख रहे हो, राइटिंग अ लेटर, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। आपने कहा सर जी जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। लो भैया मैंने सेंटेंस में के सेंटेंस के लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, अब लगा दिया सेंटेंस आपका कंप्लीट, यस सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। बताओ समझ में आया, शैल आई बी राइटिंग अ लेटर, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट। आपने कहा सर जी तो एकदम कंप्लीट हो गया। अब कमेंट करके मुझे आप बताओगे इसी सेंटेंस को हम जो WH फॉर्म या हम डबल इंटरोगेटिव जिसको कहते हैं या हम यू कहते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उनसे बनाकर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमारा कंप्लीट हो गया और अगली हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टेंस पे देखोगे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर परफेक्ट होता है, सॉरी परफेक्ट वाले जितने भी टेंसेज होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट के टेंस हो या पास्ट परफेक्ट हो या चाहे आपके फ्यूचर के हो, तो ये परफेक्ट जो है ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे हम परफेक्ट की बात करें, अब परफेक्ट वो पहला हमारा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हमने क्या देखा बताओ, सुनाई नहीं दे रहा है, आप बताओगे ना तभी तो सुनाई देगा। तो फ्यूचर में हमने क्या यूज करेंगे, पहले उससे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में हमने हैज हैव का यूज देखा था, आपने कहा था जी बिल्कुल देखा था। पास्ट में हमने हैड का यूज देखा था, आपने कहा था जी बिल्कुल देखा था। अब बताओ ये जो हमारा फ्यूचर होगा उसको मैं बताऊंगा नहीं, उसको मैं समझाऊंगा आपको, तो यहाँ पे बने रहिए आप। देखिए मैं टाइमलाइन एक ड्रॉ करता हूं और टाइमलाइन से ही हम समझेंगे कि कोई कार्य आपका फ्यूचर में कब होगा कैसे होगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूं और वो टाइमलाइन क्या होगी आप समझने की कोशिश करेंगे। भैया समय हो रहा है 9:45 हो रहा है, कब का समय है, आपने कहा सर जी तो प्रेजेंट का समय है, ठीक है। पास्ट इससे पहले का कोई समय, वो समय कैसा होगा, मान लो 7 का है, कब का समय है, पास्ट का समय है। अब देखो मैं अभी फ्यूचर की बात करूं, इंडेफिनिट में हमने देखा, कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा, इंडेफिनिट में कोई काम फ्यूचर में होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या देखा, कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा। लेकिन परफेक्ट क्या होता है, जैसे हम अगर बात करें कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें हमने क्या लिखा था, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। पास्ट परफेक्ट हमने क्या देखा था, पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब कि पास्ट से भी पहले जो कार्य क्या है कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में क्या है कंप्लीट हो चुका था, ऐसा हम समझेंगे। लेकिन फ्यूचर में क्या हम देखेंगे कि कोई कार्य फ्यूचर में है लेकिन वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट हो रहा होगा, ऐसा डिसाइड करेंगे। हम कैसे डिसाइड करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि जो फ्यूचर होता है और फ्यूचर में भी कब का है परफेक्ट, मतलब काम वहां पे भी कंप्लीट हो रहा होगा, ऐसा डिसाइड हम करेंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं या सब जो आपका स्ट्रक्चर है मैं उससे समझाने की कोशिश करूंगा आपको, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है विल और शैल, विल और शैल के साथ यहां पर हम वर्ड यूज कर देंगे क्या, हैव। वर्ड क्या यूज कर देंगे, हैव। अब जब हमने परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, अब मैंने आपको पास्ट में बताया था प्रेजेंट बताया था कि जब आपका परफेक्ट टेंस की बात करेगा तो उसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बात समझ में। तो यहां पर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आपने क्या लगा दिया सर जी, ऑब्जेक्ट लगा दिया, सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आपने कहा सर जी तो कंप्लीट हो गया, आपने क्या कहा सर जी तो कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया तो हम बनाते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा आइए हम चेक करते हैं। देखिए तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे, मैंने क्या कहा, ही will have completed his work by tomorrow. स्पेलिंग सही है टुमारो की, T O M O R O W, ठीक है। देखिए
इसको हम समझने करेंगे इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। मैंने क्या कहा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, तो हिंदी मीनिंग क्या होगी, वह अपना कार्य कंप्लीट कर चुका, चुका होगा, चुकी होगी, कहां पे हम देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे। तो किस टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, और वो पर्टिकुलर टाइम क्या है, कल तक का। तो कल तक वह अपना कार्य कर चुकेगा, ये कैसा टेंस कहलाएगा हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। चलो एक सेंटेंस हम और बनाते हैं, और वो अगला सेंटेंस क्या होगा, मैंने क्या कहा, ये हो जाएगा आपका, दे विल हैव, दे विल हैव रीच्ड हियर, they will have reached here by 7, by 7। अब क्या है भैया, यहां पे देखो, वे 7 बजे तक यहां पहुंच चुके होंगे, काम भी आपका कंप्लीट हो गया, और कब का एक्शन दिखा रहा है, फ्यूचर का एक्शन दिखा रहा है। तो ये हो गए आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस, किसके, फ्यूचर परफेक्ट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस के हो गया। अगर नेगेटिव की हम बात करें तो अब तो इजी हो गया, नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर लेते हैं यहीं पर। स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हो गया एफर्मेटिव का, नेगेटिव का देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको टाइमलाइन में इरेज कर देता हूँ, और टाइमलाइन से हमें याद आया कि टाइमलाइन आपको याद में रखना है हमेशा। दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब यूज की विल और शैल। अब देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और मेन वर्ब के पहले, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज करना है, किसका यूज करना है, नेगेटिव और नॉट का यूज करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैव भी मिल गया, तो अच्छा मैं एक ऐसे बनाता हूं, मैंने ऐसा कह दिया, नॉट हैव, ठीक है, देन शी विल, सब्जेक्ट विल शैल के साथ हमने नॉट हैव, यहाँ पे भी हम प्लस का साइन दे देते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आपने कहा सर जी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं कैसा, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ही विल के साथ सब्जेक्ट आया, किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद, किसके जस्ट बाद, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हम किसकी अरेंजमेंट कर देंगे, नॉट की अरेंजमेंट कर देंगे। मैंने क्या कहा, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, वह कल तक अपना कार्य नहीं करेगा या नहीं कंप्लीट करेगा, है ना, ऐसा हम कर रहे हैं, कब का, फ्यूचर का एक्शन भी दिखा रहे हैं और हमने अपना कार्य कंप्लीट भी दिखा दिया। चलो अगले सेंटेंस की हम बात करते हैं, दे विल, अब यहाँ पे देखो विल के बाद हम किसकी अरेंजमेंट करेंगे, आपने कहा सर जी नॉट की अरेंजमेंट यहाँ पे हम कर देंगे, तो हो जाएगा आपका, दे विल नॉट हैव रीच्ड हियर बाय 7, अब क्या कि 7 बजे तक वह यहाँ नहीं पहुंच चुकेगा या नहीं पहुंचेगा, ऐसा हम बना लेते हैं। चलो तो ये हो गए आपके एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर, इसको आप फटाक से अपने कॉपी में नोट करेंगे, बाकी हम बढ़ेंगे इसी के अगले और इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जिसको हम क्या नाम देंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नाम देंगे। चलिए तो फ्यूचर परफेक्ट के हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं, हम इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे अपने इंटरोगेटिव में, एफर्मेटिव को मैं इरेज करता हूँ, मान के चलिए ये आपका ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को इरेज करते हैं, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश हम करेंगे। तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये तो इजी हो गया सर जी, कैसे इजी हो गया, समझने की कोशिश करेंगे। आपने कहा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है किसी भी सेंटेंस में, उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, पहले यूज कर देंगे। अब आप गुस्सा मत हो जाना कि सर जी अभी तक आपने फ्यूचर के जितने भी टेंस आपने बताए उसमें विल पहले लिखा था, भैया मैं पहले सैल लिख दे रहा हूँ, कोई भूकंप नहीं आ जाएगा, कोई आपत्ति नहीं हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपने माइंड में मत रखना कि सर जी आपने सैल पहले लिख दिया, के साथ हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, देन क्या बचा हमारा, यहाँ पे देखो हैव भी हमारा बचा था, के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। अब बताओ सेंटेंस कंप्लीट, आपने कहा सर जी तो बार बार आप गलती करते हो, कैसे गलती करते हो, क्यों, आपने लास्ट में क्या नहीं यूज किया, क्वेश्चन मार्क नहीं यूज किया, अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर फॉलो हमें करना है, इसी सेंटेंस को बनाना है। तो मैंने क्या कहा,
कि इस सेंटेंस को, वह कल तक अपना कार्य नहीं कर चुकेगा या नहीं किया होगा, ऐसा हम बनाए, ठीक है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं क्या करूं, क्वेश्चन पूछूं, तो क्वेश्चन पूछूं कैसे पूछोगे आप, बनाओ भी ये सेंटेंस को, क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आपने कहा तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कैसे स्ट्रक्चर फॉलो किया, देखो यहां पे चेक कर लो, विल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, यहां पे देखो हैव भी हमने यूज किया था। अब देखो कुछ बच्चे यहां पे ये कहेंगे, सर ही के साथ तो हैव का यूज हम करते नहीं है, क्यों, क्योंकि ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, हैव आपका प्लस सब्जेक्ट होता है। भैया यहां पे ऐसा कुछ केस मत यूज करना, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है। यहां पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि चाहे आपका आई और वी आए, फर्स्ट पर्सन आए, या आपके अन्य कोई पर्सन आए, उनके सभी के साथ आपको हैव का यूज देखने को मिलेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज कर दी, हाँ बिल्कुल कर दी, कंप्लीटेड हिज वर्क और बाय टुमारो, बताओ क्या समझ में आया। अब क्वेश्चन कर रहा है, क्या वह इस समय पर, पर्टिकुलर समय पर यह कार्य कर लिया होगा, बताओ, मतलब कि एक्शन आपका फ्यूचर में है लेकिन कार्य आपका कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, ये आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बताओ समझ में आया क्वेश्चन। इस एग्जांपल को, जो सेकंड एग्जांपल है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका एग्जांपल क्या होगा। चलिए आगे और लास्ट हम चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी हम विस्तृत चर्चा थोड़ा सा थोड़ी सी देर में करेंगे, तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम चर्चा करेंगे टेंस के आखिरी और अंतिम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, आप यहां देख रहे हो ना कि फ्यूचर के साथ यहाँ पे परफेक्ट भी ऐड हुआ है और कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि दो टेंसों को मिलाकर हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। और कौन सी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बात हो रही है। देखिए क्या होता है, कैसे पहचानेंगे हम सेंटेंसेस को, क्या यूज होगा इसमें, कौन सी हम वर्ब यूज करेंगे, कैसे इसको हम देखेंगे, आइए हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है कि कोई कार्य आपका फ्यूचर में, मतलब भविष्य में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कंटिन्यू रहेगा। मैंने क्या कहा कि कोई भी कार्य फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, बात समझ में, तो उसको हम किस टेंस में रखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में हम रखेंगे। या हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के साथ विल शैल के साथ हैव का यूज हमने कल किया था, और इसी के साथ हम वर्ड एक नया ऐड कर देंगे, क्या, बीन। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हाँ मुझे सुनाई दे रहा है आप कह रहे हो कि सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऐड कर दो आप, देन आपने क्या ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम यूज किसका कर देंगे, टाइम का यूज कर देंगे। ये शायद चर्चा हम कर चुके हैं कि सेंस और फार का यूज हम टाइम के लिए करेंगे, और इसके लिए हम एक क्लास लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर हमारा हो गया कंप्लीट, अब एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। अगर मैं हिंदी एग्जांपल्स की बात करूं क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूं कि वह सुबह से खेल रहा होगा, मैंने क्या कहा कि वह सुबह से खेल रहा होगा, कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा होगा, और बात कब की है कि फ्यूचर की बात है, कहने का मतलब हुआ कि फ्यूचर में कोई कार्य आपका एक पर्टिकुलर टाइम पर कंटिन्यू है, ठीक है। मैं यहां पे हिंदी लिख के चलता हूं, जैसे मैंने क्या कहा, वह सुबह से खेल रहा होगा, कौन खेल रहा है भाई, वाह, तो यहां पर हो जाएगा ही। अब क्या लगाओगे, विल लगाओगे या शैल लगाओगे, आपने कहा सर जी ही तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम विल का यूज करेंगे, विल हैव बीन, क्या कर रहा है भाई, खेल रहा है,
ही विल हैव बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा है? सुबह से खेल रहा है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बात समझ में? एग्जाम्पल समझ में आया आपको? मैंने क्या कहा, वह सुबह से खेल रहा होगा, क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बात समझ में? एग्जाम्पल और हम लेते हैं, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। मैंने क्या कहा, राधिका 5 वर्षों से लखनऊ रह रही होगी। मैंने क्या कहा, राधिका 5 वर्षों से लखनऊ रह रही होगी। अब देखिए क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा सब्जेक्ट क्या है, राधिका है। राधिका विल हैव बीन लिविंग, लिविंग 5 वर्षों से, फॉर 5 ईयर्स, या ऐसे इसको करो आप, लिविंग कहाँ पे रह रही है, लखनऊ में रह रही है ना, लिविंग इन लखनऊ फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा कि राधिका विल हैव बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 5 ईयर्स। ये बात समझ में? देखिए ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो इजी हो गया आपके लिए। क्या इजी हो गया? अब आप कहोगे सर कहाँ पे हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, आप नेगेटिव वर्ड का, आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और मेन वर्ब के पहले। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने वर्ड देखा हैव बीन, दो साथ वर्ड है, तो हम नॉट के अरेंजमेंट कहां पे रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाऊं तो नेगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका, यहीं पे देखिए, ये ऐसे हम करेंगे इसको नेगेटिव सेंटेंस में, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। बताओ समझ में आया नेगेटिव सेंटेंस, दो दो सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट करके बताओगे। चलिए इस सेंटेंस को भी हम नेगेटिव बनाते हैं, क्या हो जाएगा, राधिका 5 वर्षों से लखनऊ रह रही होगी, नेगेटिव बनाओ, नहीं रह रही होगी, क्या बन जाएगा, राधिका विल नॉट हैव बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 5 ईयर्स। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, किसका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। समझ में आ रही बातें? अगर समझ में आ रही बातें तो कमेंट में आप मुझे एफर्मेटिव का और नेगेटिव का दो दो सेंटेंस कमेंट करके आप बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट इसका क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी हम यहां पर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका समझ में आया है या मैं बताऊं फिर से? बताओ, ये देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपका। क्लियर है? चलो इंटरोगेटिव की हम बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे, देन हम अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स को बनाएंगे। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रक्चर जो अब मुझे लगता है कि आप आराम से बना लोगे किसी भी टेंस का। अगर मैं कहूँ स्ट्रक्चर क्या होगा, आप कहोगे सर ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल हो गया, क्या खेल हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाइए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल है, आपने कहा सर जी बिल्कुल है विल शैल, के साथ आपने यूज कर दिया सब्जेक्ट, भैया बिल्कुल मैं सब्जेक्ट यूज कर दिया। अब यहाँ पे बताइए, हमने वर्ड यूज किया था क्या, हैव बीन, तो सब्जेक्ट के बाद आपने हैव बीन का यूज कर दिया, मैंने कहा भाई बिल्कुल सही आपने यूज किया है। अब आपको समझ में आ रही चीजें कि यहाँ पर हम कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने कोर्स को आगे ले चलेंगे। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे हैव बीन हमने यूज कर लिया, किस टेंस की बात हो रही, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, आपने कहा सर जी वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, एकदम बढ़िया, बात किसकी हो रही है, आईएनजी फॉर्म की, के साथ आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया और लास्ट में आपने वर्ड क्या किया,
सिंस और फॉर। मैंने कहा बच्चों बताओ सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आपने कहा सर जी अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है? क्योंकि यहां पर जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लास्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अब क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होता है तो हम एग्जाम्पल बनाए, बिल्कुल बनाते हैं। जैसे मैं हिंदी की बात करूं, हो जाएगा क्या मैं, कोई मुझसे कहता है कि क्या मैं, या किसी का नाम ही ले लेते हैं, क्या आकाश सुबह से घूम रहा होगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पहले ट्राई करो आप, अगर नहीं आता तो मैं तो बताऊंगा ही। बात समझ में? मैंने क्या कहा, क्या आकाश सुबह से घूम रहा होगा, है ना? तो क्या बन जाएगा इसको, हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इसका, विल आकाश। स्ट्रक्चर देखो क्या हो जाएगा, हैव बीन, घूमने की हम वर्ड यूज करते हैं, वॉन्डर, वॉन्डरिंग, कब से घूम रहा है? सुबह से घूम रहा है। चलो भैया सिंस मॉर्निंग। अब ये इंटरोगेटिव कैसे वाले थे, यहां पे आपको आंसर क्या निकल के आएगा, या तो यस या तो नो, ठीक है? ये तो हो गए इंटरोगेटिव के, कौन से वाले, जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनका हम स्टार्ट करते हैं। तो बताओ क्या आकाश सुबह से घूम रहा होगा, बताओ फ्यूचर की बात है, कोई पर्टिकुलर टाइम पे काम कंप्लीट हो रहा है? नहीं, कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्या है, कंटिन्यू है। कब से? सुबह से। क्या कर रहा है? घूम रहा है। कब की बात है? फ्यूचर की बात है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। मैंने क्या कहा, क्या वे दो घंटे से टीवी देख रहे होंगे? और लास्ट में आपने कहा लगा दिया क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपने कहा सर जी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको मैं एक झटके में उड़ा दूंगा क्वेश्चन को, कहीं मुझसे पूछा जाता है या आपने मुझसे पूछा है, इसको हम कैसे कर लेंगे? अब बताइए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लस सब्जेक्ट है? आपने कहा सर जी ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, गलत कर दिया ना आपने, आपने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? सर जी ये तो प्लस सब्जेक्ट है। अब इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे? आपने कहा सर जी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ हम शैल का यूज करते हैं, ये प्लस सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे, विल का ही यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, विल दे हैव बीन, क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे होंगे क्या भैया, हाँ, वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, कब से देख रहे हैं, दो घंटे से, फॉर टू आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा आप मुझे बताओगे कि जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, जिनकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव बनाने का कहूं क्या बना लोगे, बताइए? मुझे आवाज आ रही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं नहीं बना पाऊंगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं बना लूंगा। जो बच्चे नहीं बना पाएंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे आइए हम देखेंगे। यहां पर देखो मैंने आपको क्या कहा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिनकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपने लगा दिया, आपने कहा सर जी बिल्कुल लगा दिया, सब्जेक्ट का यूज किया, आपने कहा सर जी लगा दिया हमने, अब नॉट की अरेंजमेंट हम कहां पे रखेंगे, इसी सब्जेक्ट के बाद, इसी सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट, देन आपने नॉट का यूज कर दिया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। बताओ इतनी बात समझ में, अगर बात समझ में आई है ना तो कमेंट में आप मुझे दो एग्जांपल्स ऐसे करके बताओगे। डबल इंटरोगेटिव कैसे हो जाएगा, इसी हेल्पिंग वर्ब के पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्या लगाना है, जैसे मैं कहूं क्या आकाश सुबह से घूम रहा होगा, ये तो हेल्पिंग है,
ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई है, लेकिन मैं ऐसे कह दूं इसे सेंटेंस को, आकाश सुबह से क्यों घूम रहा होगा। मैंने क्या कहा, आकाश सुबह से क्यों घूम रहा होगा। हो सकता है उसे मार्केट में कोई काम हो सकता है कोई दवा लाने गया हो, या हो सकता है अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह या बुक्स वगैरह, वट एवर इट इज, कुछ भी है ना। तो आंसर निकल के ये आ रहा है। तो ये हो गया आपका टेंस, बेसिक टेंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको जितनी चीजें पढ़ाई गई हो, अप्रॉक्स आपकी 3 क्लासेस टेंस की हुई हैं, 3 से 4 क्लासेस हुई हैं। तो अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं, आप शुरू से देखिए, बेसिक से आप देखोगे। अब मेरी गारंटी है कि जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई है, एटलीस्ट आप इतना जानना उसमें सीख गए होगे कि अगर मैं कहीं पे देखता हूँ कोई हेल्पिंग वर्ब हैज, हेल्पिंग वर्ब हैव है, विल हैव बीन का यूज हुआ है, शैल हैव बीन का यूज हुआ है, एटलीस्ट इतना तो आप पहचान सकते हो कि किस टेंस की ये बात कर रहा है। आज समझ में, आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जो भी चीजें ना समझ में आए उसको आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। जय हिंद।